गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडुसाला में इस वीडियो में हम लोग इस पी का करेंट अफेयर वार्षिकांक देखेंगे जो जनवरी 2021 से एक दिसंबर 2021 का है और इसमें हम लोग स्पीडी का जो आगे का पार्ट है उसको देखेंगे ठीक है एक पेज नंबर संख्या एक से लेके पेज नंबर छह तक का इसमें डिस्कशन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कौन क्या कहा ठीक है तो इसमें सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारी तो इसमें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद चौदहवें हैं उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू तेरहवें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पंद्रहवें हैं ठीक है अब न्यायिक प्रमुख देखते हैं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो हैं वो एन वी रमन्ना है ये अड़तालीसवें हैं महान्यायवादी जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है ये के के वेणुगोपाल हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं ये आदर्श कुमार गोयल हैं संसदीय प्रमुख देख लेते हैं तो इसमें सबसे पहले है सभापति राज्यसभा के सभापति कौन है श्री एम वेंकैया नायडू और उप सभापति राज्यसभा के तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह महासचिव देखिए राज्यसभा के तो ये प्रमोद चंद्र मोदी हैं नेता विपक्ष राज्यसभा के मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा में ही तो ये पीयूष गोयल हैं अध्यक्ष लोकसभा के सत्रहवीं अध्यक्ष कौन है तो यह है ओम बिरला नेता विपक्ष लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं महासचिव लोकसभा के तो यह उत्पल कुमार सिंह है नेक्स्ट आते हैं निर्वाचन आयोग का देख लीजिए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं जो चौबीसवें हैं ठीक है और चुनाव आयुक्त और जो होते हैं दो उनको देख लीजिए अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार हैं, ये पूर्व वित्त सचिव भी रहे हैं उप आयुक्त कौन है श्रीकांत टी उमेश सिन्हा चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन हैं, ठीक है ठीके? अब देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू है ये चौदहवें हैं और महालेखा नियंत्रक सी जो है वह है दीपक दास सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देख लीजिए तो सर्वोच्च सेनापति तो जानते ही होंगे आप राष्ट्रपति होते हैं रामनाथ कोविंद हैं और वायु सेना अध्यक्ष कौन है बी आर चौधरी हैं सताइसवें हैं अध्यक्ष आर हरि कुमार हैं पच्चीसवें हैं ये थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं अट्ठाइसवें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं महानिदेशक सैन्य संचालन देख लीजिए लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह है। हैं सचिव एवं सलाहकार देखते हैं तो ये कैबिनेट सचिव कौन है राजीव गौबा हैं और सलाहकार जो मन प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं वो कौन है हमी अमित खरे और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं ये पी के मिश्रा हैं रक्षा वित्त सचिव कौन है ये गार्गी कॉल है विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं ये तैतीसवें हैं ठीक है, है। अब नेक्स्ट देखते हैं गृह सचिव देख लीजिए तो गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला वित्त सचिव टी बी सोमनाथन है रक्षा सचिव जो है अजय कुमार हैं राजस्व सचिव कौन है यह है तरुण बजाज ठीक है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है तो यह है एस एन सुब्रमण्यम मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है तो यह के विजय राघवन है अब आगे देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख देखते हैं तो सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सीबीसी तो ये है सुरेश एन पटेल विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अरविंद सिन्हा है निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जिनको सीआईसी भी कहते हैं तो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा है जो ग्यारहवें हैं ठीक है प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है अरविंद कुमार रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव जो होता है उसके प्रमुख हैं सामंत गोयल अति महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एन के कौन है अतिरिक्त महानिदेशक तो ये हैं कुलदीप सिंह ईडी के देख लीजिए निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा हैं अब नेक्स्ट आते हैं अर्ध सैनिकों बल के बलों के प्रमुख देखते हैं तो एस एस बी सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक हैं ये कुमार राजेश चंद्र हैं बी एस एफ महा, के महानिदेशक पंकज सिंह हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सी आर पी एफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह सी आई एस एफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं सिलवर्धन सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एन के महानिदेशक एम ए गणपति विशेष सुरक्षा समूह एस के निदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा भारत तिब्बत सीमा पुलिस आई टी बी पी महानि के महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा राष्ट्रीय कैडेट कोर एन सी सी के महानिदेशक हैं गुर गुरबीर पाल सिंह ठीक है और भारतीय तटरक्षक बल आई सी जी के महानिदेशक हैं के नटराजन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एन के महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान रेलवे सुरक्षा बल सेवा आर के महानिदेशक हैं अरुण कुमार असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक हैं ये दिनेश कुमार सिंह हैं अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड के तो यह हैं सत्यनारायण प्रधान अब हम प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव को देखते हैं तो नीति आयोग नीति आयोग के अध्यक्ष जानते ही आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के सीईओ देखें तो ये अमिताभ कांत कांत हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है प्रदीप कुमार जोशी इक्कीसवें विधि आयोग अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन है बलबीर सिंह चौहान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं जो नवी हैं ठीक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसकी अध्यक्ष इसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर ठीक है अब आगे देखते हैं बीत आयोग चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे वाईवी रेड्डी थे और पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसके अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं ये हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा ये आठवें हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ठीक है जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए लाइक क्या कीजिए कमेंट कीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे चलिए आगे देखते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष तो इसके देखते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ ये कौन है सुनीत शर्मा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के सीईओ हैं रविंद्र भाकर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं राजीव जलोटा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं जे बी महापात्रा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार ठीक है आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एन के अध्यक्ष के चेयरमैन ये हैं मिनेश कंपनी कानून बोर्ड सी के अध्यक्ष हैं महेश मित्तल कुमार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के अध्यक्ष कौन है दिनेश के सराफ और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो ट्राई है इसके अध्यक्ष है पी डी वाघेला ठीक है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो यू आई डी ए आई होता है उसके सी ओ कौन है ये सौरभ गर्ग है और भारत का महापंजीयक एवं जनना आयुक्त कौन है विवेक जोशी लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी प्राकलन समिति के अध्यक्ष कौन है तो यह है गिरीश बापटा आगे है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो एनएचएआई एआई होता है इसके अध्यक्ष है अरमाने गिरिधर ठीक है अब आगे देखते हैं महारत्न कंपनियों कुल 11 के प्रमुख देख लीजिए तो महारत्न कंपनियां जानते हैं 11 है इनके निदेशक को देखते हैं तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी इसके हैं निदेशक गुरदीप सिंह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओ इसके निदेशक सुभाष कुमार हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के निदेशक सोमा मंडल हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल गेल के हैं मनोज जैन निदेशक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आई OCL के निदेशक है श्रीकांत माधव वैद कोल इंडिया लिमिटेड सी के प्रमोद अग्रवाल हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बी इसके हैं अरुण कुमार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल इसके निदेशक हैं नलिन सिंघल ठीक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एच के निदेशक कौन हैं एम के सुराना पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंदी कूपा श्रीकांत इसके निदेशक हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन तो इसके पीएफसी के ये हैं रविंद्र सिंह ढिल्लो ठीक है अब नेक्स्ट आते हैं प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम जो होता है उसके अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक देखते हैं तो भारत संचार निगम लिमिटेड बी एस एन एल के निदेशक हैं पी के पुरवार भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ए ए आई इसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार भारतीय पर्यटन विकास आई डी आई टी डी सी के हैं निदेशक कमल वर्धन राव महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एम टी एन एल इसके निदेशक हैं सुनील कुमार नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इसके हैं निदेशक पी के गुप्ता ठीक है आगे देखते हैं इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड इसके हैं निदेशक वर्तिका शुक्ला नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको इसके हैं श्रीधर पात्रा ऑयल इंडिया लिमिटेड ओ आई एल इसके हैं सुशील चंद्र मिश्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बी ई एल इसके निदेशक हैं एम वी गोवत्मा हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड जो एच ए एल होता है उसके हैं आर माधवन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एन एम डी सी के हैं सुमित देव राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आर आई एन एल अतुल भट्ट शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरजीत कौर जोशी हैं इसके ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आर ई सी इसके संजय मल्होत्रा हैं, निदेशक इसके नवेली लिगनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन एल सी के राकेश कुमार हैं ठीक है अब ये हो गया अब देखते हैं शिक्षण एवं अकादमिक संसद जो होते हैं उनके प्रमुख के बारे में विश्वविद्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी होता है इसके अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र पाल सिंह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कुलपति कौन है ये प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं योगेश सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के हैं एम जगदीश कुमार कुलपति हैं ये सब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बी एच यू के राकेश भटनागर नालंदा विश्वविद्यालय कुलाधिपति कौन है डॉक्टर विजय भाटकर नालंदा विश्वविद्यालय के सुनैना सिंह हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो एन है उसके निदेशक हैं ऋषि के सेनापति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा साहित्य अकादमी अध्यक्ष हैं के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर काबर ठीक है अब देखते हैं संगीत नाटक अकादमी इसके हैं शेखर सेन इसके अध्यक्ष ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उत्तम बच्चरने ठीक है अब देखते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश प्रसार भारती बोर्ड के सीईओ कौन है शशि शेखर वेम्पति नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने हैं प्रेस रावल भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर आकाशवाणी के महानिदेशक हैं एन वेणुधर रेड्डी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष कौन है अवीक सरकार यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यू के अध्यक्ष हैं विश्वास त्रिपाठी इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी आई एन एस के अध्यक्ष कौन है शैलेश गुप्ता अब देखते हैं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के, के प्रमुख ठीक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसरो के अध्यक्ष हैं के सीवन ठीक है परमाणु ऊर्जा आयोग ए ई सी के अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ए आर बी के अध्यक्ष हैं जी नागरे नागेश्वर राव भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती रक्षा अनुसंधान एवं विकास के संगठन के डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी महा इसके वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी एस आई आर के महानिदेशक हैं शेखर मंडे ठीक है शेखर मंडे इनका नाम है आगे बढ़ते हैं औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं टी रामास्वामी ठीक है टी रामास्वामी और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं एस सोमनाथ नेक्स्ट देखते हैं खेल संगठनों के प्रमुख देखते हैं तो सबसे पहले इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेक बार्कले न्यूजीलैंड के हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के कारवाहक सीईओ जो हैं वह हैं जिओफ एल आर्टिस एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह प्रथम आईसीसी के देखा जाए तो प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक तो आईसीसी की ही हैं ये तो ये इंदिरा नुई हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बी जो है इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली ये थर्टी नाइन में है ठीक है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सीईओ हेमांग अमीन हैं भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो हैं ये कौन हैं राहुल द्रविड़ भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रमेश पवार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर हैं भारतीय कुश्ती फेडरेशन के हैं अध्यक्ष कौन ब्रिजभूषण शरण सिंह अखिल भारतीय टेनिस संघ ए के अध्यक्ष है अनिल जैन अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ए आई एफ एफ के अध्यक्ष प्रफुल पटेल है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अच्युत सामंत नेक्स्ट आते हैं अखिल भारतीय शतरंज संघ इसके अध्यक्ष संजय कपूर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है ज्ञानेन्द्रो निगोम बाम भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन इसके अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरिंदर बत्रा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं ये अर्जुन मुंडा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आई ओ एस सी सॉरी आई ओ सी हैं इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख जो जर्मनी के हैं अंतर्राष्ट्रीय एथेलिक महासंघ इसके अध्यक्ष हैं सेबास्टियन को ब्रिटेन के हैं ये भारतीय बैडमिंटन संघ बी ए आई के अध्यक्ष हैं हेमंत विश्व शर्मा फीफा फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फैंटिनो ये इटली स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं भारतीय भारोत्तोलन महासंघ आई के अध्यक्ष हैं सहदेव यादव अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफ आई एच के अध्यक्ष हैं नरिंदर बत्रा भारत के विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष जेन, जेना ओल्डरीज इंग्लैंड के हैं अंतरराष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं एनिका सारेन स्टैम, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दीपा मलिक नेक्स्ट आते हैं बीमा संसाधनों के प्रमुख देखते हैं भारतीय बीमा नियामक और प्रकाश प्राधिकरण इरडा के कौन अध्यक्ष है सुभाष चंद्र खुंतिया भारतीय जीवन बीमा निगम एल के अध्यक्ष हैं एम आर कुमार जीवन बीमा निगम एल के जो प्रबंध निदेशक हैं वो है बी सी पटना जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इसके अध्यक्ष हैं देवेश श्रीवास्तव ठीक है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है यह अतुल सहाय हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं एस एन राजेश्वरी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं एस एल त्रिपाठी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एन के अध्यक्ष हैं तजिंदर मुखर्जी एस जनरल इंश्योरेंस के एम और सी कौन है पी सी कांडपाल नेक्स्ट आते हैं अब आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख देखते हैं ठीक है तो फिक्की के महासचिव कौन है दिलीप चिनौ हैं फिक्की के अध्यक्ष हैं उदय शंकर एसो चैम के अध्यक्ष कौन है विनीत अग्रवाल हैं एसो चैम के महासचिव ये सौरभ सान्याल हैं भारतीय उद्योग परिसंघ सी के अध्यक्ष हैं टी वी नरेंद्रन इफको के अध्यक्ष कौन है तो यह बलविंदर सिंह नकई हैं नासकॉम के चेयरपर्सन है रेखा मेनन ये पहली महिला बनी है ठीक है प्रेसिडेंट देखिए नासकॉम के कौन है तो ये देवजनी घोष हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है ये लियो पुरी हैं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष हैं विक्रमजीत साहनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के अध्यक्ष हैं चंद्र चतुर्वेदी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बी के कौन है सीईओ तो ये है आशीष कुमार चौहान अब हम लोग देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी ठीक है तो सबसे पहले इसमें केंद्रीय बैंक का देख लेजे हैं तो आर भारतीय रिजर्व बैंक है इसके गवर्नर कौन है आप लोग जानते ही होंगे शक्तिकांत दास हैं पच्चीसवें उप गवर्नर कौन है आर के तो यह है टी रविशंकर एम राजेश्वर राव महेंद्र कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा ये चार लोग हैं मुख्य वित्तीय अधिकारी आर के ये कौन है सुधा बाल कृष्णन ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख को देखिए एम डी है। देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के सी एफ ओ कौन है चरणजीत सिंह अत्रा और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक जो हैं स्वामीनाथन जानकी रमन ठीक है और अश्वनी कुमार तिवारी अश्वनी भाटिया और चल्ला श्रीनिवासुलू सेट्टी ये सभी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के देख लीजिए संजीव चड्डा हैं बैंक ऑफ इंडिया के अतनु कुमार राम सॉरी अतनु कुमार दास हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन हैं तो ए एस राजीव हैं केनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं मातम वेंकट राव इंडियन बैंक के शांति लाल जैन है इंडियन ओवरसीज बैंक इसके हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता पंजाब नेशनल बैंक के देख लीजिए एस एस मल्लिका अर्जुन राव हैं पंजाब एंड सिंध बैंक इसके हैं एस कृष्णन यूको बैंक के अतुल कुमार गोयल हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जी राज किरण राय हैं ठीक है अब ये नोट दिया हुआ है इसको देख लीजिए तीस अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का चार बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या अब कितनी हो गई है बारह हो गई है ठीक है इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में जिया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है ठीक है अब देखते हैं निजी बैंकों के एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ एक्सिस बैंक, है बैंक के हैं अमिताभ चौधरी बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष कोटक महिंद्रा बैंक के हैं उदय कोटक ठीक है इसके गोविंद जैन बैंक ऑफ वेस्ट के हैं नंदिता बक्सी आईसीआईसीआई के हैं ये संदीप बक्सी एच बैंक के हैं सी ओ शशिधर जगदीशन ठीक है नेक्स्ट आते हैं आई इसके हैं आई फर्स्ट बैंक इसके हैं वी वैद्यनाथन यस बैंक के हैं प्रशांत कुमार सिटी यूनियन बैंक के हैं एन कामा कम, कोदी भारतीय डॉक भुगतान बैंक के हैं आई बी जे वेंकटरामू धनलक्ष्मी बैंक के देखिए जे के सीवन हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सी हैं बलदेव प्रकाश पेटीएम बैंक पेमेंट बैंक जो है इसके चेयरमैन हैं विजय शेखर शर्मा ठीक है पेटीएम मनी के सीईओ कौन है वरुण श्रीधर हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सी के अध्यक्ष एस रमन हैं आईडीबीआई बैंक के सीईओ हैं राकेश शर्मा भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक जो है उसके एमडी जो है वो है हर्षा भूपेंद्र बंगारी ठीक है हर्षा भूपेंद्र बंगारी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुल्लू राजु, राजु, चिंतला भारतीय बैंक संघ आईबीए आईबीए के अध्यक्ष हैं ए के गोयल राष्ट्रीय आवास बैंक एन एमडी एम डी के एम हैं शारदा कुमार होटा पीएमसी बैंक के प्रशासक कौन है ए के दीक्षित करूर बैस बैंक के एमडी और सीईओ है रमेश बाबू बुद्धू फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है दिलीप सदर गानी अब देखते हैं से, फेडरल बैंक के सीईओ यह है श्याम श्रीनिवासन और एचडीएफसी लाइफ के सीईओ यह है विभा पडालकर डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक है ये हैं मुरली एम नटराजन भारतीय महिला बैंक के हैं एस एम स्वाति इसमें भी नोट देख लीजिए एक अप्रैल 2015 से आई एन जी वैश्विक बैंक जो है का विलय किस में कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया हाल ही में लक्ष्मी बिगलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया ठीक है ये हो गया अब देखते हैं रक्षा उपकरण उपकरण देखिए और किस देश में विकसित हुआ है और है क्या ये दिया है तो हेलिना क्या है भारत में विकसित हुआ यह टैंक रोधी मिसाइल है चीनू को जो है अमेरिकी कंपनी बोइंग ने विकसित किया है हेलीकॉप्टर है बराक एट जो है डीआरडीओ और इज़राइल के द्वारा विकसित किया गया है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है आईएनएस बेला जो है फ्रांस में विकसित हुआ है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पंडूबी है राफेल जो है फ्रांस में विकसित दसोल्ट एविएशन विकसित हुआ है और लड़ाकू विमान है ये राफेल एस फोर हंड्रेड रूस का है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है पिनाक जो है भारत में पहला स्वदेशी है और ये रॉकेट है और इसमें क्या है आई एन एस कलवरी ये स्वदेश निर्मित है और ये क्या है स्कॉर्पिन श्रेणी की पंडुबी है अपाचे जो है अमेरिका की है ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है चलिए अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख देखते हैं सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है तो ये एंटेन्यू गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के हैं छिहतरवे सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने थे तो ये अब्दुल्ला साहिद ये कहाँ के थे मालदीव के हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण देख लीजिए विश्व बैंक आईबीआरडी के तेरहवें अध्यक्ष कौन है डेविड मालपास हैं अमेरिका के हैं कूट निरपेक्ष आंदोलन नैम का अध्यक्ष है इल्हाम अलवे ये अध्यक्ष हैं नैम के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रबंध निदेशक ये बने हैं क्रिस्टीन क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ये बुल्गारिया की हैं और विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू के महानिदेशक हैं नकोंजी ओकोन्जो इवेला ठीक है अंकटाड के महासचिव हैं रेबेका ग्रींसपेन यूनेस्को के महानिदेशक हैं आद्रे एजोले फ्रांस के हैं ये खाद्य एवं कृषि संगठन एफ फाओ के महानिदेशक हैं क्यू डोंगू ये चीन के हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आई के महानिदेशक गाय राइडर हैं यूके के यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरीटा एच फोर अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू के महानिदेशक तेडोस अथानोम हैं ठीक है थीके? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू के प्रशासक कौन है अचीम स्टेनर ब्राजील जर्मनी से रिलेटेड हैं ये दक्षिण सार्क के महासचिव हैं इसाना रुवनु विराकुन, श्रीलंका से, से संबंधित हैं अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन ठीक है राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं पेट्रीसिया स्कॉटलैंड जो डोमिनिका की हैं यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेन ये जर्मनी के हैं अफ्रीकी संघ तो इसके अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टी के ये कांगो के हैं तेल निर्यातक देशों का ओपेक का जो है ओपेक के महासचिव कौन है मोहम्मद सानोसु बर्किदो ये नाइजीरिया के हैं नाटो के महासचिव जेंस एस्टोल टेनबर्ग है ये नार्वे के हैं आसियान के महासचिव हैं लिम जॉक होई ब्रूनेई के ठीक है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक अविनाश कुमार हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ए के हैं मातसुगु असकावा अस्कावा जापान के हैं इंटरपोल के महासचिव देखें तो ये जर्गेन स्टोक हैं जर्मनी के इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है तो ये किम जोंग यांग है दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आई के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ नासा के नासा अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है इसके प्रशासक जो है वो स्टीव जूर्सिक हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक एन के अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजो हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यू एन एच सी आर के उच्च आयुक्त कौन है फिलिपो ग्रांडी इटली के हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यू एन एच आर सी के अध्यक्ष हैं नजहत समीम खान फिजी के हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी है अर्जेंटीना के अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी के एमडी एंड सीईओ कौन है स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग अब देखते हैं चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं सोमा मंडल सोमा मंडल क्या है पहली महिला चेयरमैन है कहाँ सेल की आर्य राजेंद्र जो है देश सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला हैं रेखा एम मेनन जो है पहली महिला अध्यक्ष हैं नेस्कॉम की आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट है प्रियंका मोहिते जो है माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली भारत पहली भारतीय महिला हैं सिरीसा बांदला ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मुल्की दूसरी महिला हैं पहली कौन थी दूसरी महिला हैं और तीसरी भारतीय अमेरिकी हैं ये ठीक है सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कहाँ की बनी थी उत्तराखंड राज्य की हरप्रीत ए डी सिंह ये पहली महिला प्रमुख हैं एयर कैरियर की पूजा देवी ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक हैं भावना कांत क्या है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट हैं भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है एम बीडा लक्ष्मी ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं नुपुर कुलश्रेष्ठ जो है पहली महिला डीआईजी भारतीय तटरक्षक बल की शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट हैं चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं मिंटी अग्रवाल ये युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला हैं गौरी सावंत देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं ठीक है और हीना जैसवाल यही वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर सालिजा सहामी जो है भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं अब देखते हैं चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं ठीक है थीके? नकोजी ओकोंजो इवेला ये हैं डब्ल्यू की पहली महिला निदेशक सामिया सुलू हसैन जो है ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं लॉरेन हबर्ड ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है प्रियंका राधाकृष्णन जो है न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं नौरा अलमतरूसी जो है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं क्लेयर कोनोर ये पहली महिला अध्यक्ष हैं लोबेन क्रिकेट क्लब की ठीक है कैमला हैरिस जो है पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कहाँ की आपको पता ही है अमेरिका की डॉक्टर निगार जौहर जो है पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की जीएस लक्ष्मी जो है आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला हैं हैरिस जो है अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है मार्था कुम जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कहाँ की बनी है केन्या के उर्सूला ओन लेन जो है यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है यूएस से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला थी ठीक है अब देखते हैं विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त ठीक है सूडान के लिए सुडान की राजधानी भी दिया हुआ है तो देश और राजधानी और उसके उच्चायुक्त तो देखते हैं सुरान की राजधानी खारतुम है और बी एस मुबारक हैं राजदूत ग्वाटेमाला इसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी मनोज कुमार महापात्रा है राजदूत यूक्रेन की क्यों है राजधानी हर्ष कुमार जैन जो है राजदूत हैं म्यांमार की नेपिनताओ है राजधानी और विनय कुमार हैं राजदूत कुक आइसलैंड विक है इसकी राजधानी और मुक्तेश कुमार परदेसी है इसके राजदूत एस्टोनिया के हैं तेलिन है इसकी राजधानी और अजनीस कुमार अजनीस कुमार इसके हैं राजदूत नेक्स्ट आते हैं स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड के बर्न है राजधानी और संजय भट्टाचार्य राजदूत हैं हंगरी के बुडापेस्ट पार्थ सतपथी स्पेन का मैड्रिड है और दिनेश के पटनायक राजदूत हैं रूसी संघ का मास्को है और पवन कपूर हैं राजदूत संयुक्त तो अरब अमीरात के अबूधाबी हैं और अबूधाबी राजधानी है और, और संजय सुधीर राजदूत हैं ब्रुनेई दारुसलाम की बंदर से ही बेगवान है और इसके राजदूत हैं आलोक अमिताभ डिमरी लिथुआनिया के विल बुलनियस राजधानी है नगमा मोहम्मद इसकी है राजदूत लीबिया के त्रिपोली राजधानी है और नगुल खम जाथोम जो है राजदूत हैं सेंट विसेंट ग्रेनेडाइंस इसके किंग्स टाउन इसकी राजधानी है और एस बालचंद्रन है इसकी राजदूत डोमिनिकन गणराज जो है इसकी सेंटो डोमिंगो राजधानी है रामू अबागानी इसके राजदूत हैं प्रागवे गणराज का देखिए अनसुन सियोन जो है इसकी राजधानी है और इगेश्वर सागवान इसके राजदूत हैं ओमान का मस्कट है और अमित नारंग राजदूत हैं मालदीव का माले और मनु मुन्नू महावर इसके राजदूत हैं जर्मनी का बर्लिन है हरीश पर्व थानेनी इसकी राजदूत हैं मलेशिया के कुआलामपुर राजधानी है और बी नागभूषण रेड्डी इसके राजदूत हैं आयरलैंड के डबलिन राजधानी है अखिलेश मिश्रा इसके राजदूत हैं नौरी गणराज के यारेन हैं। और मनप्रीत बोहरा इसके राजदूत हैं तंजानिया के डोडोमा राजधानी है और बिनाया श्रीकांत प्रधान इसके राजदूत हैं पोलैंड का वारसा है और नगमा मोहम्मद मलिक इसके राजदूत जीपुती का जीपुती ही राजधानी है आर चंद्र मौली इसके राजदूत इराक के बगदाद है एल प्रशांत पीसे इसके राजदूत हैं जाम्बिया का लोसाका अशोक कुमार राजदूत हैं ट्यूनिशिया के ट्यूनिस राजधानी है और नगुलखम जाथोप गंगटे ये कहाँ के राजदूत हैं ट्यूनिशिया के क्यूबा का हवाना है और एस जानकी रमन इसके राजदूत हैं न्यू गिनी का पोर्ट मोरे सबे है और एस इनबासेकर इसकी इसके राजदूत हैं ठीक है और पोर्ट मोरसबे क्या है इसकी राजधानी सर्बिया का बेलग्रेड राजधानी है और इसके जो राजदूत हैं संजीव कोहली दक्षिणी सूडान का जुबा है राजधानी विष्णु कुमार शर्मा इसके राजदूत हैं चिली का सेंटियागो है राजधानी सुब्रत भट्टाचार्य जी इसके राजदूत हैं लाइबेरिया का मोनरोविया है और प्रदीप कुमार यादव राजदूत हैं बेलारूस का मिन्स्क है और आलोक रंजन झा इसके राजदूत हैं मेक्सिको का मेक्सिको सिटी है और मृदुल कुमार इसके राजदूत हैं सूर्य नाम का पारामावि मारिबो पारामारीबो है राजधानी और एस बाल चंद्रन इसके राजदूत हैं मोरक्को का देखिए रबात है और राजेश बैसनो इसके राजदूत हैं ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है मनप्रीत ओहरा इसके राजदूत हैं डेनमार्क का कोपेन हेगेन है और पूजा कपूर इसकी राजदूत हैं अब आगे बढ़ते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के सी ठीक है एप्पल के सीईओ हैं टीम कुक माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं एडोब का शांतनु ना, नारायण है कोका कोला के जेम्स क्विंसी है टाटा सन्स इसके एन चंद्रशेखरन है ओला कैब का भाविश अग्रवाल है उबर कैब का दारा खोसरो शाही है एयर इंडिया का प्रदीप सिंह खरोला है और पेप्सिको का रेमन लागुआरता, बी एस एन एल के प्रवीण कुमार पुरवार हैं और मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह बंगा हैं ठीक है सी देख रहे हैं हम लोग तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सी संजीव मेहता हैं सोनी के हैं केन्चीरो सैमसंग के हैं किम योन सुक कोह डोंग जिन किम की नाम ये सभी हैं नोकिया के पेका लुंडमार्क हैं एचपी के हैं डियोन वेसलर ठीक है एयरटेल के एयरटेल के कौन हैं गोपाल वित्तल ओडाफोन आइडिया के ये हैं रविंदर टक्कर टी राजेश गोपीनाथ इन्फोसिस के सलील फारेक वालमार्ट इंडिया के समीर अग्रवाल हैं अल्फावेट आई एन गूगल जो है सुंदर पिचाई हैं आई के अरविंद कृष्णा हैं अमेजन का अमेजन के एन डी हैं फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं eBay ईवे के कौन हैं ये जैमी इयानोन हैं स्नैपडील के कुणाल बहल हैं और यूट्यूब के सुजन सुसन ओज सिस्की हैं ओलेक्स इंडिया के गौतम ठक्कर हैं अली बाबा के डैनियल झांग हैं, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं ट्विटर के जैक डोर्सी हैं व्हाट्सअप के हैं विल कैथकार्ट हैं, ठीक है इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के हैं एडम मोसेरी विप्रो के थियरी डेलापोर्ट हैं, मित्रा का मित्रा का है अनंत नारायण डेल का माइकल डेल बीएमडब्ल्यू का हेराल्ड क्रेगर, इंटेल का पैट क्लाउड का देखें प्रमुख एशिया प्रशांत में ये हैं, इनका नाम है करण बाजवा हार्ले डेविंस ये का, किसके हैं? हार्ले डेविंस के सीईओ हैं माथियू एस लेवाटिच, याहू के सीईओ हैं जिम लेंजोन विकिपीडिया के देखें तो विकिपीडिया के जिम्मी वेल्स हैं आईटीसी इंडिया के योगेश चंद्र देवेसर है, नेक्षा, नेक्षा हैं ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त जो सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये देख लीजिए ये 2016 से 20 के बीच में जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये दिया हुआ है ठीक है तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद पुरस्कार 2016 सऊदी अरब का है ये ये सभी प्रधानमंत्री को ही मिला है ठीक है पुरस्कार और देश का नाम दिया है देख लीजिए अमीर अमानुल्ला खान पुरस्कार 2016 यह अफगानिस्तान का है सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया का है ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलिस्तीन का है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन का है ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 यह बहरीन का है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात यूएई का है सेंट एंड्रयूज द ऑप्स्टर अवार्ड 2019 जो है रूस का है फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 ये मालदीव का है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 ये अमेरिका का ठीक है तो ये सब प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिले अब नेक्स्ट देखते हैं 2020-21 के बीच गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? ये देख लीजिए तो 2020 हजार इकहत्तरवा था गणतंत्र दिवस और ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल सोनारो ये थे और परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था ठीक है और 2021 में कौन थे मुख्य अतिथि बहत्तरवें पे कोई नहीं थे कोविड 19 के कारण ऐसा था और परेड में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का घोषित किया था वो उत्तर प्रदेश की झांकी को किया गया था भारतीय नोटों के रंग देखिए और उन पर छपे चित्र देख लीजिए दस रुपये का नोट जो होता है उस पर चॉकलेट ब्राउन कलर होता है और कोनार का सूर्य मंदिर छपा हुआ है बीस रुपये का नोट हरित पीला कलर का होता है एलोरा की गुफाएं छपी है पचास रुपए पे फ्लोरोसेंट ब्लू होता है कलर और हम्पी का पत्थर से बना रथ छिप छपा हुआ है सौ रुपए पे लेवेंडर कलर होता है और रानी की वाव छपी है दो सौ रुपए पे ब्राइट येलो रंग होता है और सांची का स्तूप उस पर छपा है पाँच सौ रुपए में स्टोन ग्रे और लाल किला इस पर छपा हुआ है दो हजार के का कलर मेजेंटा होता है और ये मंगलयान इस पर छपा है अब देखिए भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख तो एयरलाइंस है मुख्यालय है और सी या प्रमुख जो भी हैं एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में है और राजीव बंसल इसके प्रमुख हैं इंडिगो इंडिगो गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है और वेंकट बेंकटर मानी सुमंत्रन है इसके सीईओ एयर इंडिया एक्सप्रेस का कोची केरल में है मुख्यालय और प्रदीप सिंह खोखला खरोला है ठीक है स्पाइस ए जेट का गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है और अजीत अजय सिंह इसके प्रमुख हैं गो एयर मुंबई महाराष्ट्र में है इसकी मुख्यालय और कौशिक खोना इसके सीईओ हैं एयर एशिया इंडिया ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है और एस इस, रामादुरई इसके प्रमुख हैं विश विस्तारा जो है उसका गुरुग्राम में है हरियाणा और भास्कर भट्ट इसके प्रमुख हैं एयर डेकन मुंबई महाराष्ट्र में है और जी आर गोपीनाथन इसके हैं प्रमुख ब्लू डार्ट एविएशन इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है तुषार जानी इसके सीईओ हैं पवन हंस ये नोएडा में है उत्तर प्रदेश मुख्यालय बीपी शर्मा इसके प्रमुख है फ्लाई डिवाइन इंदौर में मध्य प्रदेश में है और दिनेश गुप्ता इसके प्रमुख है डेक्कन चार्टर्स जो है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है और जी आर गोपीनाथ इसके प्रमुख हैं ठीक है अब इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देखते हैं ओके